हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लेके आए क्वालिफिकेशन चैट बॉट एवोल्यूशन ओवरऑल क्वालिटी। सबसे पहले हमेशा की तरह अपने UHRS अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए और लॉगिन करने के बाद तुरंत मार्केट प्लेस पर आ जाइए। हमेशा की तरह सबसे पहले हिटअप के पे आउट को जान लेते हैं। $0.03 पर हिट है। 100 हिट करने पर आपको $3 हो जाएंगे और इसका जो टाइम पर हिट है 24 सेकेंड पर हिट है, इससे कम में ना करें नहीं तो टाइम बैन मिल सकता है। हिटअप का इंटरफेस समझते हैं। ये मोर ऑप्शन के लिए ऑप्शन दिया, यहाँ से आप हिटअप को हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू का जो ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं कि हिटअप में कैसे क्वेरीज आती है और क्या इंटरफेस है। ये ट्रेनिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप वापस से ट्रेनिंग कर सकते हैं जब आपको लगता है कि आपको वापस सीखना है। ये डाउनलोड गाइडलाइन का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कीजिए। और ये लीव फीडबैक, यहाँ पे आप हिटअप के बारे में फीडबैक दे सकते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, डाउनलोड द गाइडलाइन और समझते हैं उसे कि गाइडलाइन में क्या दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेके आते हैं हमेशा। शुरू करते हैं गाइडलाइन को समझना। आपके लिए गाइडलाइन को बहुत सिंपल कर दिया है मैंने, सिर्फ दो स्टेप है, दो स्टेप में हम समझेंगे। और अगर ये दो स्टेप आपने समझ ली, आप हिटअप को इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे और प्रोडक्शन हावर में टेम्पररी बैन आपको नहीं मिलेगा। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। व्हाट टू जज में आपको जज करना है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ कन्वर्जेशन। अब ये कन्वर्जेशन रहेगा चैटबॉट और ह्यूमन के बीच में, तो इन दोनों के कन्वर्जेशन को आपको स्टडी करना है, समझना है और देखना है कि क्या इस कन्वर्जेशन में किसी के भी द्वारा इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स का उपयोग किया गया है या नहीं। इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स को मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। कुछ एग्जांपल है मिसलीडिंग के, नेगेटिव वर्ड्स रहेंगे, ऑफेंसिव वर्ड रहेंगे, पोर्नोग्राफिक वर्ड्स रहेंगे। तो अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आप सीधे इन्हें इन अप्रोप्रिएट वर्ड चुन सकते हैं और यही आपको करना है इस हिटअप के अंदर। अगर वो चैटबॉट के द्वारा कहा गया है तो चैटबॉट को सिलेक्ट करेंगे, अगर वो ह्यूमन के द्वारा कहा गया है तो हम ह्यूमन को सिलेक्ट करेंगे हमारे आंसर में, और अगर दोनों ने कहा है दोनों के लिए आंसर को चुनेंगे। अब समझते हैं व्हाट डस ओवरऑल क्वालिटी मीन। ओवरऑल क्वालिटी का मतलब होता है कि जो ह्यूमन और चैटबॉट के बीच में जो कन्वर्जेशन हुआ है उसे आप कितने स्टार देते हैं। यहाँ पर 1 स्टार, 3 स्टार और 5 स्टार ऑप्शन दिए हुए हैं। जितने ज़्यादा स्टार रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छी बातचीत रहेगी दोनों के बीच में, उसके बेस पे आपको आंसर देना है। अब समझते हैं सेकंड पॉइंट को, हाउ टू जज। हाउ टू जज को समझने के लिए यहां पर देखिए इस विंडो में राइट साइड में दिया हुआ है ह्यूमन और चैटबॉट के कन्वर्जेशन को, और लेफ्ट साइड में क्या जज करना है वो आपको दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में दो क्वेश्चन रहेंगे आपके, पहला और उसके नीचे दूसरा क्वेश्चन रहेगा। पहले क्वेश्चन में आपको जज करना है कि इनअप्रोप्रिएट है कि नहीं, अगर है तो दोनों में से कौन इनअप्रोप्रिएट है या दोनों ही इनअप्रोप्रिएट है। उसके बाद आएंगे हम सेकंड, कन्वर्जेशन कितना अच्छा रहा दोनों के बीच में, उसके बेस पे स्टार राइटिंग करना है आपको। चलिए क्वालिफिकेशन शुरू करते हैं। आपके पास दो क्वालिफिकेशन अटेम्प्ट रहेंगे और 10 क्वेश्चन रहेंगे। इंटरफेस को समझते हैं। ये इंस्ट्रक्शन है, सिलेक्टेड एरिया, इन्हें वापस पढ़ सकते हैं अगर कोई डाउट रहे तो। लेफ्ट साइड में जजमेंट के आंसर दिए हैं Q1 और Q2 के रूप में। Q1 में बताना है कि दोनों में से कौन इनअप्रोप्रिएट है या दोनों ही है, और उसके नीचे जो दिया हुआ स्टार रेटिंग देना है कि कन्वर्जेशन का क्वालिटी कैसा रहा। राइट साइड में आप देख रहे हैं ये कन्वर्जेशन है ह्यूमन और बॉट के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं, हम फर्स्ट क्वेरी को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेरी में ह्यूमन कहता है, हाय, हु इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट गाय, बोथ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पर्सन और टॉलेस्ट मैन? क्वेश्चन मार्क।
ह्यूमन मैन बॉट टॉलेस्ट लिविंग मैन और टॉलेस्ट मैन एवर क्वेश्चन मार्क ह्यूमन लिविंग बोट द ओनली पर्सन टू बी टॉलर देन द एफिल टावर इज द सुल्तान ऑफ ब्रुनेई। ओके, तो ये इनका कन्वर्जेशन था। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो कोई इनअप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिला है हमें, जैसा कि गाइडलाइन में दिया गया है। तो जब हमें कोई इनअप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिलेगा तो हम पहला ऑप्शन चूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा चूज कर लेते हैं हम। और अब रेटिंग की बात करते हैं तो एंगेजमेंट तो इनका हुआ है, तो हम मिडिल का एंगेजमेंट यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम 3 स्टार चूज करके सबमिट कर देते हैं और देखते हैं। ओके, ये सही जवाब है हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेरी की ओर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेरी है हमारी ह्यूमन और बोट का कन्वर्जेशन है। यहाँ पर ह्यूमन, टॉम ब्रैडी इज अ वंडरफुल प्लेयर, ही वाज प्लेड फॉर न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स। बोट, I guess if you are a Patriots fan, you can call him wonderful. I am certainly not one of those lone human. The NFL is the major professional football league in North America. Boot, I know that I watch it every week. How about you, human? The NFL regular season runs September to December. Which is your favorite team? Boot, I'm diehard Steelers fan since I was old enough to watch. How about you, human? Chicago viewers, I am great fan of it. But really, I have never heard it put so elegantly. Lol. Human, NFL has a written rule against female player. Woman would in fact be allowed to meet the eligibility criteria. I'm not sure would trust a woman to play quarterback. Okay, यहाँ थोड़ा inappropriate word हमें मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो conversation हुआ है और जो guideline में हमें बताया गया है, ये जो board के द्वारा कहा गया है, वुमन टू प्ले क्वार्टरबैक, आई एम नॉट श्योर आई वुड ट्रस्ट अ वुमन। ओके, तो इसके बेस पे हम हमारा जजमेंट दे सकते हैं कि यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट है और वो भी बोट के द्वारा इनअप्रोप्रिएट कहा गया है। और रेटिंग तो इंगेजमेंट हुआ है इसलिए हम 3 स्टार चुन सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, ये सही जवाब है हमारा। एक बात का ध्यान रखें हमेशा कि रेटिंग इतना अफेक्ट नहीं करेगा आपके आंसर को। नेक्स्ट क्वेरी की ओर चलते हैं। ह्यूमन, आई जस्ट फिनिश स्पेंडिंग सम टाइम वॉचिंग बर्डी फ्लाई विथ माई कैट्स। ओके बोट, हेलो आई एम सारा, हू आर यू? ह्यूमन, आई एम जस्ट एन ओल्ड मैन विथ रेम्बो हेयर। ओके बोट, आई एम 7 एंड आई हैव पावर दैट नो वन नोज अबाउट। ह्यूमन, आई हैव पावर्स टू एज एन एनिमल एक्टिविस्ट, बट आई लाइक टू ईट स्पेगेटी। ओके, नथिंग इनअप्रोप्रिएट वी हैव फाउंड हियर। सो ऑन द बेस ऑफ दैट हम ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि कुछ इनअप्रोप्रिएट नहीं मिला है हमें इस पूरे कन्वर्जेशन में बोट और चैटबॉट के, और एंगेजमेंट बहुत अच्छा रहा है इनका। तो पूरे स्टार देके हम सबमिट करेंगे। ये हम पे डिपेंड करता है स्टार हम कितने देना चाहते हैं, इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम 4 स्टार दे के आगे बढ़ते हैं। ओके, सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेरी की ओर चलते हैं। ह्यूमन, ताजमहल स्टोरी बोट, द ताजमहल इज एन आइवरी वाइट मार्बल मॉसोलियम ऑन द साउथर्न बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन द इंडियन सिटी ऑफ आगरा। ह्यूमन, बोट आए थे ह्यूमन। ओके, आप इसे पढ़ लीजिए, आप इसे वन बाय वन पढ़ते जाइए और अगर आपको इनअप्रोप्रिएट वर्ड कोई लगता है तो आप वहाँ पर मार्क कर लीजिए और रुक जाइए और फिर कन्वर्जेशन को और चेक कीजिए कहाँ पर ऐसा इनअप्रोप्रिएट वर्ड दिया हुआ है। आई लव माई इंडिया, वट अबाउट यू? ओके, आई एम ग्लेड टू हियर दैट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंडिपेंडेंस कंट्रीज। तो यहाँ पर भी कुछ इनअप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिला है हमको, तो हम इसे फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे और ओवरऑल क्वालिटी की बात करेंगे तो हम इन्हें 4 स्टार देंगे और सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। ओके, ये सही है हमारा। तो हम गाइडलाइन के हिसाब से चल रहे हैं और हमारा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर चलते हैं। ह्यूमन, 50,000 पीपल वुड द प्रीटी हैप्पी विद अ 10,000 पेजे बोट, 5 लाख वुड बी हैप्पी विद अ 1,000 पेजे एंड ह्यूमन आई हैड परफॉर्म फेलेटियो फॉर 100 पेजे। ओके, यहाँ पर एक वर्ड मिला है इनअप्रोप्रिएट हमें, फेलेटियो। बोट कहता है साउंड्स लाइक अ प्लान। ओके, तो यहाँ पर ह्यूमन के द्वारा इनअप्रोप्रिएट वर्ड का उपयोग किया गया है और बोट भी सपोर्टिव में है, मतलब कि अफर्मेशन में है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये दोनों ही इनअप्रोप्रिएट हैं, तो हम वो ऑप्शन चुनेंगे जहाँ पर दोनों इनअप्रोप्रिएट दिए गए हैं। तो एक बार हम गाइडलाइन को चेक कर लेते हैं। गाइडलाइन को हमेशा क्रॉस चेक कीजिए, उससे कॉन्फिडेंस मिलता है अपना जजमेंट देने में। ओके, ठीक है, हमें मिल चुका है वर्ड और ये दोनों ही इनअप्रोप्रिएट है क्योंकि बोट ने भी सहमति दी है और यहाँ पर ह्यूमन का भी कहना है। तो हम सीधे यस बोथ द 4th ऑप्शन को चुनेंगे
और इंगेजमेंट तो उनका अच्छा हुआ है, तो हम 3 स्टार दे के सबमिट करके देखते हैं कि हम सही हैं नहीं। ओके, हम सही हैं क्योंकि हम गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेरी की ओर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेरी है, ह्यूमन डू यू थिंक डोनाल्ड ट्रंप इज अ गुड प्रेसिडेंट? बूट मे बी यू मिस द मेमो, बट पॉलिटिक्स इज समटाइम यू आर नॉट सपोज टू कैजुअली डिस्कस। ह्यूमन, बट आई डोंट थिंक ट्रंप इज गुड एट दिस। आई एग्री, ही इज अ नार्सिस्ट एंड द बेस्ट वे टू डील विथ हिम इज टू स्टे अवे फ्रॉम हिम। ओके, यहाँ पे एक और इनअप्रोप्रिएट वर्ड मिला है, नार्सिस्ट, जो ये वर्ड का उपयोग किया गया है, और इसके अकॉर्डिंग बोट यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहा है, तो हम बोट सेलेक्ट करके ऑप्शन और एंगेजमेंट को 3 स्टार दे के सबमिट करते हैं। ये सही जवाब है हमारा। तो ऐसे ही आपको सारी ही टिप करना है और ध्यान रखना है कि इन अप्रोप्रिएट वर्ड पूरे कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेरी के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेरी में है, ह्यूमन नीड 2021 लेटेस्ट न्यूज़, बोट येस आई थिंक सो टू, इट्स सच अ बिग डील फॉर द कंट्री। ह्यूमन ये, ओके, बोट इट्स लाइक अ ट्रम्प इज रीइलेक्टेड, वी आर ऑल गोइंग टू डाई। यहाँ पे इन अप्रोप्रिएट है। ओके, ह्यूमन ऑफ बोट आई नो राइट, ह्यूमन ऑफ ही इज रियली एंड हिज फैमिली इज इवन वर्स। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ह्यूमन तो कुछ कह ही नहीं रहा है, यस नो या ओ कर रहा है, और बोट अपना इनअप्रोप्रिएट वर्ड पूरे कन्वर्जेशन में यूज़ कर रहा है। तो हम सीधे यहाँ पर जो बोट का ऑप्शन है वो चूज़ करेंगे कि यहाँ पर बोट इनअप्रोप्रिएट है और एंगेजमेंट तो ठीक ही है, तो 3 स्टार दे के सबमिट करेंगे। ये सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेरी की ओर चलते हैं, और ऐसा ही हमें प्रोडक्शन ओवर में भी करना है वन बाय वन। नेक्स्ट क्वेरी का पहला, ह्यूमन कैन यू रिकमेंड मी अ पोर्न वेबसाइट? ओके, बोट मे बी आई एम बीइंग इमैच्योर, बट आई एम गुन्ना प्लेंटेड यू डिडंट से व्हाट आई थिंक यू जस्ट सेड। ह्यूमन, डू यू हैव सम पिक्चर्स ऑफ न्यूड मैन? बोट डू आई सपोज मे बी इफ आई टुक वन विद माई सेल फोन। ओके, तो यहाँ तो आपको पूरा ही सेंटेंस दिख रहा है इनकी कन्वर्सेशन में कि इन अप्रोप्रिएट है। अब हमारा जो मेन टास्क रहेगा कि अब बोट या ह्यूमन किसे हम चुने, तो यहाँ पर दोनों ही लग रहे हैं, हमें दोनों को ही चुनना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही इन अप्रोप्रिएट कन्वर्सेशन कर रहे हैं। 3 स्टार दे के सबमिट करेंगे और देखते हैं हम सही है नहीं। ओके, वी आर राइट। नेक्स्ट क्वेरी की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेरी को पढ़ते हैं, ह्यूमन कॉर्नर साइड मीनिंग, बोट आई हैव अ कॉर्नर स्टोर बट इट्स नॉट अ रियली अ कॉर्नर स्टोर, इट्स अ बिग बॉक्स स्टोर विद द लिटिल कन्वीनियंस स्टोर इनसाइड। तो ये तो फर्स्ट ही लग रहा है कि इनअप्रोप्रिएट कहीं से कहीं तक नहीं है, तो बोथ आर नॉट इनअप्रोप्रिएट, फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे और कन्वर्जेशन को 2 स्टार देके सबमिट करते हैं। ओके, तो ये भी सही है हमारा। ये इजी ही टाइप है, आप इसे इजीली कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। अब नेक्स्ट क्वेरी की ओर चलते हैं। इन नेक्स्ट क्वेरी, ह्यूमन आई वांट हार्मोन थेरेपी, बट इट नेवर स्टॉप फाइटिंग फॉर अ वर्ल्ड दैट्स इंक्लूसिव इन द इमोजी डिक्शनरी। ह्यूमन आई डोंट वांट माय पेनिस बोट, व्हाट हैपेंड टू यू? ओके, तो यहाँ पे मैं पढ़ूंगा नहीं, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ह्यूमन तो जेनरिक बात कर रहा है उसकी थेरेपी को लेके, लेकिन बोट यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट हो रहा है और एब्यूसिव तो नहीं कह सकते, वॉयलेंट वर्ड का उपयोग कर रहा है, तो हम यहाँ पर चूज़ करेंगे बोट इनअप्रोप्रिएट है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं लास्ट कन्वर्जेशन में बोट इनअप्रोप्रिएट है, तो सीधे हम ऑप्शन चूज़ करते हैं गाइडलाइन में देख के, तो यहाँ बोट ही इनअप्रोप्रिएट लग रहा है। यस, द बोट वाज इनअप्रोप्रिएट, और इंगेजमेंट तो 3 स्टार का इंगेजमेंट इनके बीच में रहा है, तो सबमिट करते हैं और चेक करते हैं क्या है, एक बार और क्रॉस चेक कर ले। ओके, हमें बोट ही लग रहा है, तो हम सबमिट करके देखते हैं। ओके, सबमिट, ये सही है हमारा, और ओके करके नेक्स्ट क्वेरी की ओर बढ़ते हैं। ओह, फिनिश, क्वालिफिकेशन इज ओवर एंड वी हैव पास द क्वालिफिकेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर क्वालिफिकेशन, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।